मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है और मैं चूरू से हूँ। मेरी रैंक 1012 है। मैं सीएलसी में 11th के साथ आई थी फाउंडेशन कोर्स के लिए और 11th 12th किया, और मेरे 11th में स्टार्टिंग से अच्छे मार्क्स चल रहे थे, तो ये फैमिली में भी ये रहा कि भी हाँ ठीक अच्छा कर रही है। और फिर 12th के साथ मेरी एज नहीं थी तो एक साल मैंने ड्रॉप किया और टारगेट शॉट मेरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है सीएलसी में यहाँ का माहौल। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे फैमिली की तरह रहता है सब कुछ। जैसे यहाँ पे मतलब सबसे अच्छी चीज़ मेरे को सीएलसी में लगती थी कि हम लोग मतलब शाम को खाना खा के आते थे तो बॉस वहाँ बाहर चेयर लगा के बैठते थे, तो किसी को हमसे होप है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, ये रहता था उन्हें देख के। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को बेस्ट वही लगती थी कि बॉस वहाँ बैठे हुए मिलते थे हमें, और असेंबली तो बेस्ट थी। पूरे दिन हम लोग दोपहर में मेहनत करते थे, मतलब पढ़ते थे दोपहर के कैंप में, फिर हम लोग शाम को असेंबली में जाते थे तो वहाँ के सॉन्ग्स मतलब सुन के इंस्पिरेशन, और बॉस के साथ हनुमान चालीसा गाना, वो सब बहुत बढ़िया लगता था। और फिर हम लोग रात को कैंप में रहते थे, और ये था लास्ट में क्या है कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी मार्क्स की वजह से भी। और एक बार मैं घर चली गई थी, बीच में 5-6 दिन का गैप हो गया था, तो मोटिवेशन के लिए कुछ कुछ सेमिनार्स होते रहते थे, वो सबसे बढ़िया थे। और अवार्ड्स वगैरह मेडल वगैरह मिलते रहते थे, ये भी बहुत बढ़िया था कि उससे हम लोग के ये रहता था कि अभी हमें मतलब नीचे रैंक पे अवार्ड मिले तो अगली बार हम लोग अच्छा करेंगे, ये रहता था। एक तो यहाँ का शेड्यूल फिक्स है कि इस दिन ये होना है तो होना है। बाकी सर यहाँ थे, हमें नहीं पता था कि हमारी कोचिंग में ये चीज़ें बेस्ट हैं, लेकिन अभी बाद में दूसरे बच्चों से बात होती है बाहर जाके कि हाँ हमारी कोचिंग में ऐसे होता था ये वो, तो पता पड़ता है कि हमारा शेड्यूल कितना फिक्स था। टीचर मतलब जैसे 7 बजे क्लास है तो 7 बजने से 5 मिनट पहले टीचर्स क्लास में आ जाते थे, तो ये था कि टाइम फिक्स होता है। और कोचिंग में सुनने को मिलता है कि 1-1 घंटे तक कोचिंग के बाहर खड़े हैं, उनको एंट्री नहीं मिली है कोचिंग के अंदर, ये सब रहता था। लेकिन हमारी कोचिंग के अंदर शेड्यूल टाइम ये है कि बस बच्चा खुद से अगर कोचिंग को फॉलो करे ना, तो यहाँ पे जितना मतलब पोटेंशियल जो कोचिंग जितना मतलब फेवर करती है ना बच्चों को, वहाँ वैसा कहीं नहीं मिलता। बस ये था कि घर छोड़ के आए थे, पहले तो मिस करते थे। वैसे मैं कोचिंग छोड़ के गई थी तो मेरे को 3 साल मैं यहाँ पे रही थी, फिर वहाँ पे मैं गई, यहाँ से छोड़ के गई थी कोचिंग, तो मेरे को कई दिन ऐसे रहा कि भाई हम लोग वहाँ से छोड़ के आ गए, मतलब ऐसे अटैचमेंट सा हो गया था। बॉस तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते थे हम लोगों से, बहुत ज़्यादा ये बुलाते रहते थे अच्छे से। ऐसे नहीं है कि भाई जैसे यहाँ के वो है डायरेक्टर है वैसे बात करते, ऐसे बहुत अच्छे से फैमिली मेम्बर की तरह बात करते, तो बहुत अच्छा अटैचमेंट हो रखा था। तो घर पे जाने के बाद भी याद आ रहे थे हाँ कोचिंग छोड़ के आ गए, 3 साल वहाँ पे रहे थे। सीएलसी और मेरे में क्या समानता है, ये है कि आज के टाइम पे मैं भी मतलब सक्सेस की फर्स्ट स्टेप पे हूँ। सीएलसी भी काफ़ी सक्सेसफुल मींस नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी कोचिंग है, काफ़ी सक्सेसफुल है, बहुत बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं सीएलसी में। हाँ फैमिली जैसा माहौल है, मतलब ऐसे है कि इंटरेक्टिव है, ऐसे नहीं है कि भी हम किसी टीचर से बात करने में कतराते हैं, ऐसे नॉर्मली बात कर लेते हैं सबसे, ऐसे डर नहीं लगता किसी से भाई क्या टीचर क्या सोचेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। नॉर्मल टीचर्स भी मतलब कम नंबर आते हैं तो हाँ सामने से बात करते हैं, हाँ बेटा क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, और ऐसे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रहोगे तो आपको एक ही जगह, ये ज़्यादा घूमने फिरने वाले बच्चे या फिर मौज मस्ती यहाँ पे खूब है, बट ये कि मेहनत भी करनी है, मौज मस्ती भी खूब कराते हैं यहाँ पे, बट ये क्या है कि ये एक बाउंड्री में रह के, ये नहीं कि हम लोग हर कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। जिनका एक मोटिव है कि हमें कुछ करना है लाइफ में, हमें आगे जाना है, ये कि मतलब खुद के दिमाग में कुछ सेट है कि हाँ हमें कुछ करना है लाइफ में, आए तो हम लोग को आगे हमारा सेट करना है, हमारे मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, वो लोग को आना चाहिए। और जिनके ये है कि हाँ भाई ठीक है कुछ होएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फैमिली पहले से सेट है किसी को, ये ज़्यादा मतलब ये कि बहुत सारे ऑप्शन हैं उनको नहीं आना चाहिए। जिसके पास एक ही व्यू है ना कि हाँ हमें मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए और हमें करनी है मेहनत ही करनी है, 2 साल मेहनत करनी है तो करनी है, उनको जरूर आना चाहिए यहाँ पे। बॉर्डर लाइन वाला भी है या फिर बहुत लो लेवल वाला बच्चा भी है, वो भी काफ़ी अच्छा कर सकता है, ऐसे रहता है। हर बंदे से एक्सपेक्ट करते, ये नहीं कि भाई हाँ आज ये बच्चा कम चल रहा है तो ऐसे नहीं कि इसको इग्नोर कर दिया, मतलब उसे भी इतना ही ध्यान रखते हैं। मैं हमेशा से अच्छी नहीं चलती थी, मतलब ठीक एवरेज बच्ची थी, इतना कुछ टॉपर नहीं चलती थी, बट ये कि बॉस हमेशा से हमें इक्वल लेके चलते थे, ऐसे नहीं है कि भाई टॉपर बच्चा उसे कुछ ज़्यादा ही वो मोटिवेट कर रहे हैं या फिर सबको इक्वल रखते थे।